नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी विमान से सफर करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि आमतौर पर जब भी आप बिहार से बाहर सफर करते होंगे तो गिने चुने ही हवाई अड्डों से सफर करने का काम करते होंगे। ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि अब आने वाले दिनों में आपके पास एक और हवाई अड्डे की सौगात होने वाली है तो आप भी जरूर खुश हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर से छोटी दूरी के लिए विमान सेवा की शुरुआत करने की तैयारी तेज हो गई है, जिसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर हाल ही में पूर्व नगर निगम विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा के लौटने के बाद मिली है। मुजफ्फरपुर के पूर्व मंत्री ने बताया कि पताही हवाई अड्डे से भी छोटे विमान जल्द उड़ान भरने वाले हैं। इसको लेकर मंत्रालय ने भी पहल शुरू कर दी है। तय योजना के अनुसार मुजफ्फरपुर से रांची, बनारस, लखनऊ, कोलकाता और गोरखपुर समेत 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहर के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। योजना के ही अनुसार लगभग 2500 रुपए तक का किराए में शहरवासी उक्त शहरों तक अब आने जाने का काम कर सकेंगे। इसको लेकर स्पीकर चौक स्थित कार्यालय में बातचीत भी कर ली गई है। बातचीत के दौरान ही श्री शर्मा ने बताया कि 4 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई थी। क्षेत्रीय विमान सेवा के तहत छोटे शहरों में 40 से 60 सीटों वाले विमान चलाने की योजना पर काम चल रहा है। इसमें ही पताही हवाई अड्डे को शामिल करने का काम भी किया गया है। छोटे विमानों के लिए ही यहाँ पर पर्याप्त जमीन तक मौजूद है। विमान सेवा शुरू करने के लिए अब तैयारियां भी तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में विमान सेवा की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल पटना और बनारस के बीच में छोटे विमान उड़ान भरने का काम कर रहे हैं। विमानन कंपनियां अब छोटे शहरों में सेवा शुरू करने को लेकर रुचि दिखाने का काम भी कर रही है। मुजफ्फरपुर से ही विमान 1 घंटे में 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों तक के फेरे लगाने का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो नई योजना के अनुसार पताही हवाई अड्डे से कार्गो विमान का परिचालन भी होने वाला है। मुजफ्फरपुर लीची के शहर के रूप में ये विश्व विख्यात है। कार्गो सेवा मिलने से लीची अब जल्द से जल्द देश और विदेशों में भेजने का काम होने वाला है। ये किसानों और व्यापारियों को लाभ भी दे सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो अब जल्द ही बिहार में एक और हवाई सेवा की सौगात मिलने वाली है, जिससे यकीनन आने वाले समय में छोटी दूरी की यात्रा करने वाले बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, जिससे उम्मीद यही है कि अब विमान से सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।